वीवीएस लक्ष्मण की नजर में विराट सेना के अलावा ये टीम भी है वर्ल्ड कप की दावेदार। टीम इंडिया 24 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलेगी, जो कि उसकी आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज होगी। वह इस सीरीज के दौरान अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 को उतारना चाहेगी, ताकि वर्ल्ड कप से पहले टीम को बेहतर संतुलन दिया जा सके। जबकि इन दिनों क्रिकेट के तमाम दिग्गज टीमों की वर्ल्ड कप दावेदारी को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी फेहरिस्त में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम सही समय पर फॉर्म में लौट रही है। उन्होंने कोलकाता में कहा, यह सब सही समय पर फॉर्म में लौट रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड कप लंबा फॉर्मेट है और अगर भारत को खिताब जीतना है तो प्रत्येक खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। मेरे लिए भारत और इंग्लैंड प्रबल दावेदार के रूप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। फिलहाल बंगाल रणजी टीम के साथ और बल्लेबाजी सलाहकार जुड़े 44 वर्षीय लक्ष्मण ने भारत की ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से और न्यूजीलैंड को उनके घर में 4-1 से हराने को लेकर कहा, जिस तरह से वे ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेकर न्यूजीलैंड सीरीज तक खेले हैं, इसमें केवल एक या दो खिलाड़ियों का नहीं है बल्कि पूरी सभी का योगदान रहा है। यकीनन गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों का योगदान देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे वीवीएस लक्ष्मण से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज आगामी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की प्रबल दावेदारी बात कह चुके हैं। 30 मई से वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जाएगा।